है कोई जैसे ताकि हर किसी को ये समझ में आए कि मतलब बजट में क्या है क्या नहीं है। और हमने कुछ कनेक्टर वाले को भी किया हुआ है काम गाने अच्छे हैं वेल रोमांटिक गाने भी हैं और इमोशनल गाने भी हैं सारे के सारे गाने अच्छे हमारे सभी आठ गाने हैं आठ गाने सबके सब गाने अच्छे हैं बट ऑडियंस को अच्छा लगा तो हम भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा रहा अंजना जी के साथ हमारा बहुत अच्छा काम मिला है और काम करने मज़ा भी आया और अंजना जी ने काफ़ी हमको सपोर्ट भी दिया बहुत सपोर्ट दिया हमें। दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि हमारी पिक्चर बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली माई की बिरुवा आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक जाके हमारे थिएटरों में देखें। थैंक यू सो मच सर। क्या रिस्पॉन्स सर? सबसे पहले तो आप लोगों को थैंक यू कि आप लोग आए और अपने सामने कुछ बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद। कि आज म्यूजिक का फर्स्ट लुक जारी हुआ है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोग अपना रिव्यू दीजिएगा आप लोग बताइएगा ये कैसा है अच्छा है कि नहीं है क्योंकि हम तो बनाते ही अच्छा है कोशिश अच्छा करते हैं लेकिन जनता जो हमें दे क्योंकि जनता ही हमारी भगवान होती है वही हमको दे। और एक और बात कहना चाहूँगा कि इस फिल्म की जो एक नींव रखी गई थी जिन्होंने रखा था अतीक इलाहाबादी हमारे और असीम भाई दोनों के बड़े भाई जैसे हैं वो बड़े भाई जैसे क्या बड़े भाई ही हैं उनकी कुछ तबीयत आज नासाज है इस वजह से वो आ नहीं पाए हैं तो जब भी ये देखे तो उनको लगे कि बहुत अच्छा हुआ है और वो भी खुश हों और हमें दिल से दुआ दें हम दोनों भाइयों को सब पूरी टीम को दुआ दें कि हम लोग कामयाबी बस पाते हैं। जितना मैंने उम्मीद किया था उससे कहीं ज़्यादा मुझे बहुत नए लोगों को लेके काम किया है अमूमन अभी तक जितने भी किए हैं नए लोगों को ही लेके काम किया स्टार का तो मैं कर नहीं रहा लेकिन अगर मैं काउंट करने जाऊंगा कि जो भी किए थे कुछ ना कुछ किए थे लेकिन हमारे हसीन भाई ने कभी कुछ नहीं किया था फर्स्ट टाइम था डरा तो मैं भी था लेकिन जब पहले दिन का पहला टेक मेरा हुआ और पहला सीन ही था और वन टेक में ओके हुआ मुझे कॉन्फिडेंट आ गया था कि मतलब अच्छा ही होगा और उम्मीद से बेहतर किया। किस तरह की फिल्म भोजपुरी दर्शकों को बताएंगे कि ये फिल्म अंदर से किस तरह की है वन लाइन अगर पूछा जाए? वन लाइन ये है कि आम भोजपुरी फिल्मों से थोड़ा सा हटके है हमने एक मैसेज वाली फिल्म है बेसिकली नक्सलवाद को हमने उठाया है कि नक्सलवाद हमारे जंगलों में घूमते रहते हैं तो उनको क्यों ना मुख्य धारा में लाया जाए और ना ही उनको मार के ना ही उनको डमका के प्यार से उनको मुख्य धारा में जोड़ा जाए यही छोटी सी कहानी। दर्शकों से क्या कहेंगे? दर्शकों से बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारी फिल्म को देखिए और अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रखिए जैसे पिछली तीन फिल्मों में आपने बनाया है वैसे चौथी फिल्म में भी उम्मीद करूँगा और बहुत जल्दी एक अच्छी फिल्म और लेके आ रहा हूँ भोजपुरी दर्शक आप लोगों के बीच में।